Hello friends, welcome back to our channel. In today's video, I will show you how to increase virtual RAM in your Samsung device. Virtual RAM एक ऐसा फीचर है जो आपके फोन की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। इसमें आपके इंटरनल स्टोरेज का कुछ हिस्सा वर्चुअल रैम में कन्वर्ट किया जाता है। इससे आप कई सारे एप्लीकेशन एक साथ चला सकते हैं, स्मूथली मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। वर्चुअल रैम ऐड करने के लिए सबसे पहले फोन के सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बार पे फाइंड करें रैम। अब इस इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करके सीधे रैम प्लस सेटिंग्स में जा सकते हैं, या तो सेटिंग्स ओपन करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आइए। नेक्स्ट डिवाइस केयर पे क्लिक करना है। इसके बाद मेमोरी। दोस्तों मेमोरी ऑप्शन के अंदर रैम प्लस फीचर्स देखने को मिल जाएगा। अगर ये फीचर्स ऑफ किया हुआ है तो इसे पहले टर्न ऑन कर दीजिए। इसके बाद डिवाइस रिस्टार्ट करना होगा। रैम प्लस में कोई भी सेटिंग्स चेंज करने के बाद हर बार आपको डिवाइस रिस्टार्ट करना पड़ेगा। डिवाइस स्टार्ट होते ही आप दोबारा रैम प्लस सेटिंग्स में चले जाइए। यहाँ पर आपको 2GB से लेकर 8GB तक वर्चुअल रैम बढ़ाने का ऑप्शन दी गई है। ये इंटरनल स्टोरेज के हिसाब से दिया जाता है। फिलहाल इस डिवाइस में एक्स्ट्रा 4GB रैम ऐड हो चुका है। अगर आपके फ़ोन में 6GB रैम था तो अब वो 10GB हो चुका है। यदि आप 6GB बढ़ाना चाहते हैं तो 6 पर क्लिक करके डिवाइस रिस्टार्ट कर लीजिए। दोस्तों ये जो वर्चुअल रैम ऐड हो रहा है वो इंटरनल स्टोरेज का हिस्सा है। मान लो कि आपका इंटरनल स्टोरेज था 128GB और आपने 4GB वर्चुअल रैम यहाँ ऐड किया है। अब क्या होगा, 128GB से 4GB माइनस हो जाएगा, मतलब आप 126GB इंटरनल स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं। बाद में जब आप रैम प्लस ऑफ कर देंगे तब स्टोरेज दोबारा इंटरनल मेमोरी के साथ ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फ़ोन में रैम स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।